लोग मुझसे पूछते हैं कि अकबर साहब चंद्रायन गुट्टे में ही क्यों? हाँ, चंद्रायन गुट्टे वालों का पहला हक है मुझ पर, इसलिए चंद्रायन गुट्टे में पहले। इंतजार का खातेमा करने वालों का नाम चंद्रायन गुट्टा है, इंतजार की फिजा पैदा करने वालों का नाम चंद्रायन गुट्टा है, इसलिए पहले इनका हक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेख अनवर, एशियन टीवी न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह काम ले रहा है और आज मैं यहाँ कर रहा हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं कि अकबर साहब चंद्रायन गुट्टे में ही क्यों? हाँ, चंद्रायन गुट्टे वालों का पहला हक है मुझ पर, इसलिए चंद्रायन गुट्टे में पहले। इंतजार का खातेमा करने वालों का नाम चंद्रायन गुट्टा है, इंतजार की फिजा पैदा करने वालों का नाम चंद्रायन गुट्टा है, इसलिए पहले इनका हक है। और अल्लाह अगर देगा तो जरूर करूंगा, पहले यहां खत्म करूंगा, उसके बाद में जिंदा रहा दौलत रही तो यहां से हटकर भी करने की कोशिश करूंगा। मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरा काम जिंदा रहेगा, रहती दुनिया तक मेरे बनाए हुए स्कूलों में पढ़ने वाला एक एक लड़का काबिल बनेगा, नेक बनेगा, तो उसका अजर अल्लाह मुझे देगा, मेरे साथियों को देगा, मेरी आवाम को देगा। लोग बोलते हैं मुझे, अकबर साहब आप स्कूलों में फिरते हैं। हां, मैं फिरता हूं, आज तक नहीं बोला, आज कहता हूं। जब बहुत दर्द होता है पेट में, तबीयत बहुत खराब रहती है और दर्द से खाना नहीं खा सकता, भूखा रहता हूं, प्यासा रहता हूं, और किसी वजह से दिल में दर्द होता है, कर्म में रहता हूं, तकलीफ में रहता हूं, तो अल्लाह उसके रसूल की कसम इन स्कूलों का रुख करता हूं, और जब मासूम गरीब बच्चों के चेहरों पे वो मुस्कुराहट देखता हूं तो मेरा सारा गम चला जाता है, सारी तकलीफ चली जाती है, सारा कर्ब चला जाता है। ये खुशी मुझे मिलती है, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है, तो वो इन मासूम बच्चों की तालीम का इंतजाम है। मेरा वजूद जमात की वजह से है, मेरी ताकत जमात की वजह से है, मेरा काम जमात की वजह से है, मेरे इदारे भी मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की वजह से है, मेरे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की वजह से ही है। नाम सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट है, लेकिन ये जो कुछ भी है मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की वजह से, आपकी वजह से। अगर मेरी जमात मेरे साथ ना होती तो शायद ये मुमकिन नहीं होता, मेरे सदर की रहनुमाई ना होती तो शायद ये मुमकिन नहीं होता, मेरे वालिद और वालिदा की दुआएं ना होती तो शायद ये मुमकिन नहीं होता। अल्लाह की राह में काम करने वालों की कमी नहीं, अल्लाह जिससे चाहे उससे काम ले, अल्लाह मुझसे काम ले रहा है, तो बस दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह तू इस काम को कबूल कर, तू हमारे इस काम को कबूल कर। अरे अल्लाह, तू जानता है कि बड़ी मुसीबतों में जिंदगी गुजारी है मैंने, बड़े कर्ब में गुजारी है कई रातें मैंने, मगर ऐ अल्लाह मैंने तेरे हबीब की उम्मत की खिदमत में कभी भी कोताही नहीं की, कभी भी बेईमानी नहीं की, इनके साथ ईमानदारी के साथ खिदमत की है। ऐ अल्लाह तू इस काम को कबूल कर ले, तू इस काम को कबूल कर ले। रातों के कर्ब और जरबों के जरब की तकलीफ में भी मैंने फिक्र की है तो अपने दर्द की नहीं फिक्र की है, तो ऐ अल्लाह तू जानता है तेरे हबीब की उम्मत की फिक्र की है। मैंने कभी अपने जात की अपनी औलाद की फिक्र नहीं की, फिक्र की है तो ऐ अल्लाह तेरे हबीब की उम्मत की फिक्र की है, तो इस जमात की फिक्र की है, तो मेरे सदर की मेरी आवाम की। ऐ अल्लाह तू इन सब की हिफाजत कर दे, ऐ अल्लाह तू इन सब की हिफाजत कर, सबको कामयाबी और कामरानी अता फरमा, हमारे इस काम को कबूल कर ले। नहीं मालूम कि कितने दिन जिंदा रहूं, लेकिन जब तक जिंदा हूं मेरा हर लम्हा आपकी फिक्र, आपकी तड़प,
आपकी खिदमत में गुजरेगा, ये वादा है मेरा।